Is part of to Quran, है लेकिन अगर आप देखेंद ने जब फर्स्ट टाइम इन द नेम ऑफ अल्लाह अर रह बोला ठीक है तो वो अट्ठाईसवीं सूरत में बोला रेवलेशन ठीक है चैप्टर नंबर नंबर की आयत 110 है वो अच्छा सत्रह बाद में आ रही है उस वक्त अगर मुसलमान ये बोलते हैं कि जनाब मोहम्मद ने रहमान हमेशा से अल्लाह था उसको बिस्मिल्लाह की सूरत में फर्स्ट टाइम में लिखा नाउ अ बिगर प्रॉब्लम अगर बिस्मिल्ला पहले से अलहमदुल्लाह के अंदर थी तो बाद में फिर लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए थी जब रहमान और रहीम उसने कहा था यू नो सो नाउ यू हैव अ बिगर बिगर प्रॉब्लम इन दैट सो चैप्टर नंबर 17 जो है बाय रेवल्यूशन बनता है चैप्टर राइट सो उनको प्रूव करना है कि हमेशा से थी आपको नहीं आपको तो सिर्फ डेटा देना है और कहना है कि भाईजान ये प्रॉब्लम है अब आपके साथ अगर ये चैप्टर नंबर 17 जो था उसकी आयत नंबर 110 में जाके आपको पता लग रहा है और लोग कह रहे हैं कि तू एक खुदा को नहीं तू तो तीन तीन खुदाओं को मानना शुरू हो गया है तो नाउ यू है और तफसीर तफसीर को कट करेगी इसलिए मैं कहता हूं एक तफसीर काफी नहीं है कुरान की पढ़ने के लिए आपको मल्टीपल तफसीर पढ़नी पड़ती हैं ताकि आपको पता लगे कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या है थैंक यू सो मच धन्यवाद अच्छा इसके साथ और एक आर्ग्यूमेंट आप ये भी रख सकते हैं ये तो बहुत आर्ग्यूमेंट हो गया एडम साहब का आप ये आर्ग्यूमेंट भी रख सकते हैं कि अगर आप ये मान रहे हैं कि पार्ट ऑफ फातिया तो इसमें फिर इख्तलाफ क्यों है उलमा का इबन कसीर तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने बयान कर दिया कि अहले इल्म में इस बात का इख्तलाफ रहा है कि बिस्मिल्ला जो है ये आ, हर एक सूर्य का हिस्सा है या बस उसको ऐसी ऐड किया गया है इट्स नॉट पार्ट ऑफ यू नो दूरा तो ये इख्तलाफ है? और कौन से ये उस इख्तलाफ में क्योंकि अगर आप ये मानते यानी असल हकीकत ये है कि ये पार्ट ऑफ कुरान नहीं है तो सारे मुसलमान तो इसको पार्ट ऑफ कुरान मान रहे हैं। तो नहीं सर उनका तो। जो है ना उनका फातिहा में एडिशन के है। अगर आप कुरान पे जाएंगे बाकी पहली आयत नहीं पहली ये नहीं कुरान में जो पहली आयत है वो बिस्मिल्लाट कॉम पे जाए और वन करें तो बिस्मिल्ला पहली आयत है लेकिन सूरह बकरा के अंदर बिस्मिल्ला पहली आयत नहीं है ही वॉज वेरी स्पेसिफिक ऑन तो इस वजह से मैंने ये वाला आर्ग्यूमेंट दिया था अच्छा बिस्मिल्ला फातेहा में पहली आयत है और किसी सूरत में पहली आयत के तौर पे नहीं है रब्बिल आलमीन वो कुरान कुरान डॉट कॉम पे अलहमदुल्लामी जाओगे तो चैप्टर नंबर नंबर आयत उन्होंने लिखी हुई है वहां पे ये के के वर्जन अंदर सूरह पहली वाली आयत है अच्छा दूरी और सूसी इसको पहली आयत नहीं लेते ठीक है अच्छा इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आता है इन्होंने पहली आयत बनाया क्यों मोहम्मद की जो हदीस है ना कि सेवन ओफन रिपीटेड वर्सेस उसकी जो एक तफसीर है बुखारी के अंदर वो अट्रैक्ट करती है टूवर्ड सूर्य फातिया जो प्रोफेटिक कमेंट्री है ना वो सूर्य फातिया की तरफ इशारा करती है नाउ नातिया की प्रूव करने के लिए आपको बिस्मिल्लाह को सूर्य फातिया का पार्ट बनाना पड़ेगा वरना सात नहीं है ना, वरना छह आएते हैं ठीक है तो सेवन ऑफन रिपीटेड वर्सेस सात पूरी करने के लिए बिस्मिल्लाह को ऐड करना पड़ेगा ये आर्ग्यूमेंट एक बहुत बड़ा आर्ग्युमेंट है फातिया के अंदर बिस्मिल्लाह का होना बाकी सूरतों की बात नहीं हो रही फातिया की बात हो रही इस अच्छा एडम साहब लेकिन आप देखें ये एक्चुअली इख्तलाफ एक जो है वो सारे सूरों का है क्योंकि इसकी वजह एक आपको यही और एक बताता हूं मैं कि जो शाफी हजरत है और जो हनफी हजरत है अच्छा इसमें जो ज़ाहिरी नमाज होती है फजर की मगरिब की ईशा की इसमें तो जोर से आपको सूरा पढ़ना है लेकिन जब हनफी सूरा पढ़ता है जोर से तो वो बिस्मिल्ला से शुरू नहीं करता वो आलमीन से शुरू करता है ठीक है और जो दूसरे सूर्य भी है वो बिसमिल्ला नहीं पढ़ता वो उसको स्लो पढ़ता है लेकिन जो उसके बाद की आयत है जैसे अलीफलामीम है या अलम तरा कैफा है वो बिसमिल्ला के बगैर पढ़ता है वही आप शाफी लोगों को देख लीजिए आप कि जब वो नमाज पढ़ते हैं और जब जहरी नमाज भी पढ़ते हैं तो बिस्मिल्ला को भी जोर से पढ़ते हैं तो उनके नजदीक दैट इज पार्ट ऑफ कुरान क्योंकि जहर से जो पढ़ना है आपको जोर से वो सिर्फ कुरान का हिस्सा पढ़ना है बाकी चीजें नहीं साहिब ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं इसीलिए इख्तलाफ बिस्मिल्लाह का अलम शरीफ में है अब अगर आप ये भी देखें बाकी जब सूरा मिलाएंगे उस वक्त बिस्मिल्लाह कभी नहीं पढ़ेंगे लेकिन कुछ लोग हाँ कुछ लोग अलम शरीफ से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ऊंची जुबान में कुछ लोग नहीं पढ़ते लेकिन अलम शरीफ के साथ एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू एडिशनल है कि सेवन सेवन नहीं है नंबर वन नंबर टू अगर है तो सात बनाने के लिए बिस्मिला को ऐड करना है नंबर थ्री अगर बिस्मिल्ला को ऐड कर देते दस है वो उसके ऊपर पूरी नहीं बैठती तो लिहाजा ये एक मेजर एक सला के अंदर शामिल होता है अच्छा तीसरी बात जो आपने कही है कि हर सूरत से पहले बिसमिल्ला है लाजमी ठीक है नंबर वन है है मैं मानता हूं लेकिन क्या वो आयत नंबर वन बनेगी आयत नंबर हाँ। वन कोई नहीं बनाता उसको उसको नहीं आयत में काउंट नहीं करते हैं काउंटअल अलीफलामीम से करेंगे अलम शरीफ वो वाहिद है जहां पर उसको काउंट आयत नंबर वन के तौर पर दे दिया हुआ ठीक है तो वन पे देख के भी लेकिन बिस्मिल्लाह जोर से नहीं पढ़ रहे हैं अनफी हजरत हां आप ये <laughs> <laughs> अब उसके बाद एक और एक और حجت आ जाती है ना कि बिस्मिल्लाह अगर ये आयत का पार्ट है लेकिन ये कुरान का पार्ट नहीं है बाद में आया था अच्छा अब इसके अंदर एक तीसरी حجت आती है तीसरी حجت वो भी एक बड़ी मजेदार हो है और वो एक बड़ी लेटर एस्टैब्लिश हो है मगर एनीहॉ

आ, आ, जब अल्लाह पहली वही नाजिल कर रहा था तब बिस्मिल्लाह बोलना क्यों भूल गया उसने नहीं बोला उसको भाई ये कलाम जब और इसका आ, नहीं बोला। जो मतलब है मतलब भी यही है कि आप अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हो तो जब कुरान की पहली आयत नाजिल हुई इकरा बिस्मिल अब्बिक खलक या मुदस्सिर की आयत नाजिल हुई तो बिस्मिल्लाह तो वहां आना चाहिए था वहां अल्लाह अल्ला अल्ला तो भूल गया बिस्मिल्लाह भेजना ये इसी वजह से मैंने कहा था कि एक तीसरा इसका एक चौथा आर्ग्यूमेंट ये बनता है जो कि मैंने अभी आपको बताया था वो ये था कि बिस्मिल्लाह अल्लाह ने बाद में ऐड की थी यू नो दैट्स व्हाट आई लाइक एक और आर्ग्यूमेंट है जो कि मैं नहीं बोला था लेकिन अब आप चुके ले आए इस मुद्दे को तो इस वजह से इसको ही हिज्जत बना के लोग कहते हैं कि अल्लाह ने बिस्मिल्लाह को बाद में अटैच किया था अच्छा ना अगर बाद में अटैच किया था तो हर सूरत के साथ अटैच कर दिया अच्छा ओके फेयर इनफ डन डील मुझे दिखा दो कि सूरह तौबा के साथ अल्लाह ने कहा हो होके अटैच नहीं करना

मतलब एडम साहब के जिस प्रिजर्व कुरान की ये दुहाई दे रहे हैं वो तो शुरू में ही इख्तलाफ से शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या तुम बोलोगे यार ये तो हदीसों का भी इख्तलाफ नहीं है ये तो बाकायदा कुरान का इख्तलाफ है बिस्मिल्लाह का तो तुम सर कहां से शर्म आनी चाहिए इस तरीके से करने के लिए इसके ऊपर पढ़िएगा गाजत वो आपको आठ हजरते देता है इसके ऊपर। oh, oh. आप उसके आप पूरी लेंगे. सिर्फ mm -hmm. आपने ये नहीं कहना नहीं है लोगो के जवाब में आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं कुत्तों की तरह और कोई किसी को सच्चा साबित नहीं कर सका लिहाजा जो किसी भी एंगल से आएगा मैं दूसरे एंगल से उसे पिछाड़ दूंगा आपस में कुत्तों की तरह लड़े हैं ये सर गली में कुत्ते लड़ते हैं ना सर वो भी कम लड़े होंगे जितना तिबरी ने एक्सपोज किया इस्लाम को अगर तिबरी आज के जमाने में पैदा होता ना सलाम मार देते वो इसको उस जमाने में उसे <laughs> स्कॉलर कह रहे थे इज्जत दे रहे थे चुमिया कर रहे थे आज के जमाने में पैदा होता ये लोग कतल कर देते उसको बच गया तिबरी बच गया लाइक like, सीरियसली बच गया बेचारा नहीं <laughs> तो उसने जो तारीख तिबरी में जो कुछ उसने डाल दिया है ना तारीखे तिबरी जितनी जो है ना वो ब्लास्ट फेमस है अकॉर्डिंग टू दीज मुसलमान वो मार देते इसको तिबरी को पकड़ के मार देते बहन दी सरी